एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आपकी कुंडली देख के कैसे जान सकते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है या नहीं। इसको जानने के लिए आपको जो भी लग्न के जातक हो, आप देखेंगे कि दूसरा भाव जो रहता है वो आपका आर्थिक स्थिति का आकलन करवाता है। द्वितीय भाव से हम आर्थिक स्थिति को देखते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी लग्न के जातक हो, आप दूसरे भाव के जो राशि है उसका स्वामी को देखें। वो अगर कुंडली में केंद्र में हो, पहले चौथे सातवें दसवें भाव में हो, त्रिकोण भाव में हो, पांचवें नौवें भाव में हो और या ग्यारहवें भाव में हो, तो यह दर्शाता है कि जातक की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि जो जो भी जैसे कि इस कुंडली में देख सकते हैं कि 3 नंबर की बुध की राशि है और वो लाभ भाव में बैठा है बुध, तो यह दर्शाता है इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि जो बल है बुध का अंश बल भी अच्छा है और इस तरह से वो धन भाव का स्वामी होके आपके लाभ भाव में बैठा है। तो ये ऐसे ही अगर स्थिति आपकी कुंडली में भी बन रही है तो ये दर्शाता है कि जातक की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको हमारा ये संक्षिप्त वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपॉइंटमेंट परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।